से मुकदमे नहीं लिखे जा रहे। भोरे थाने का एक विवाद है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कप्तान साहब कान खोल के सुन ले, 307 के मुकदमे जो झूठे लिखे ने, यह तो इन्हें ठीक कर लिए, अन्य 5 तारीख में मुझे फरनागर का इलाज होगा। बकवास कर रहे? अरे ध्यान करो, दौल्टी कांड तुम्हारे जैसे ही थे। एक और था, 5 साल सत्ता में रहा, 2008 करवाया और मौत प्रकरण हुए। बसपा सरकार से ताकतवर नहीं हुआ, आपकी औकात नहीं जिले के डीएम एसएसपी को बदलवा दे और आप कर रहे गिरफ्तारी की बात। कौन सा काम हो रहा है आपके कहे थे जिले में? कौन सुन रहा है आपकी बात? जनपद में जो कलेक्टर आया वो पड़ोस के मंत्री की सिफारिश पाया, क्योंकि उस मंत्री को मुझे फरनागर से चुनाव लड़ना है, इतना डर है ना, इतना डर है। सीट छोड़ दी, आप चैलेंज करोगे सिसोले के संतलत को? ये हरी टोपी की जो बात कही ने, और हमारे अग्रवाल समिति से आए वो भी लोग, मेरे उनसे निवेदन है वे भी आ जा, ये कह रहे कि मुझे फरनागर में किसानों का जाना बंद कर देंगे, चलवा लिए दुकान किसानों की, व्यापारी भी पंचायत कर रहे 2 दिन में इनके खिलाफ, नो कह रहे मुझे फरनागर में आना बंद कर देंगे। अरे फोटो तुम खिंचवाओगे, केक तुम खुआओगे, यूनियन पर आरोप लगाओगे, गुंडे थारे हैं हमारे करवा लो पसीने वहां पे। विधायक हस्तों की खेल लड़ रहा कि गो किसी के पैसे तो नहीं लेगा, मालूम का सबको पता, कहना नहीं चाह रहे थे। शाहपुर में हस्तों की था किसान यूनियन, थोड़े दिन के लिए सेक्रेटरी पे चार्ज आए, सारे कामों में से पैसे कटवा के फर्जी काम करवा दिया। योगी जी इतने ईमानदार हो, करवाओ अपने विधायक की जांच। कार्टून बना रहे, कार्टून बना के लिख रहे बक्कल तार देंगे, देख लिया सिसोली में कुकर उतरे बक्कल तार लो, बक्कल बकवास कर रहे बक्कल तार देंगे। अरे ध्यान रखियो, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की तो हम जैसे लोग बात करें, पूरे देश में विरोध करेंगे, थरे में हिम्मत हो तो रोक लियो और आ जाओ सिसोली, चलो देखाने आज सिसोली जाऊंगा, आ जाओ सिसोली बुला रहे, आ जा जाता सिसोली अरे भाई बता दियो एक आध की तुम्हारा सलाम भी होगी नुको आ जा सिसोली। गुंडा करते की बात को बाधा बोल रहे, संविधान की बात कर रहे, संविधान की बात थी क्योंकि आप खड़े में बुलाते कलेक्टर एसपी को अपने घर, नुको पकड़ के ले कहा मैं खड़े में जा रहा, नुके में संविधानिक बात बोल रहा, ज्यादा बात ना करवाओ इस किसान आंदोलन को, भटकाओ ना। अरे भाई एक बात आपसे और कह रहा, मुकदमे उन पर नहीं, मुकदमे हुए टिकेट साहब पे, नाम लेके कई बार और भी कुछ कहा, और बढ़िया तो ये रहता है जब कोई जगह लिखवाते गौरव का किसी का और ठीक हो जाता। लेकिन एक बात बताऊं, अगर ये जो इनके सिर पर खाट धरी, जो ये तुमने कहीं भी छड़ दी तो थारे पर भी लानत है, ये खाट भी छड़ी नहीं चाहिए कहीं, मुकदमे करवा कर खाट बिछावेंगे। तो टिकेट साहब, अरे यहाँ का सिस्टम है, देख रहे राकेश जी सब लोग अपना वहां आंदोलन कर रहे, आप अपनी राजनीति कर लो, हमें कोई मतलब नहीं, चुनाव तो आपको लड़ना ही है, लेकिन भारी गेल तो ना उठो। वीरेंद्र सिंह को लेकर आओगे, वीरेंद्र को लेकर आओगे, वीरेंद्र बेटे के तारे बैठ के भीतर बैठ जाओ, उसको ठे में बाहर को निकट के दिखाओ, गया कोई से काम में तो आती हूँ बैठ जाके कहीं पास पड़ोस में, पागल कुत्ते ने काट रखा, विरोध करोगे टिकट तो। और ये जो बात कही ना कि हरी टोपी लगा के गुंडागर्दी हो रही, ये तो मैं दिखाना है आने वाले टाइम में कि गुंडागर्दी किसे किसे के नु कह रहे। कप्तान साहब जिले में मांग होती है, अराजकता होगी, अरे दे दो इस्तीफे, तरह मारनी चाहिए, तुम मंत्री हो, तुम्हारे जिले में अराजकता हो रही, दे इस्तीफा। नु कह रहा बीच में बैठ जा, नु कहता जनपद में कानून का राज नहीं है, मैं इस्तीफा दे रहा, देता इस्तीफा क्यों भाई वो जब न
कौन हूं। तो वो बोरे थाने में क्या लेने गया था, टिकट साहब दोहरा आ जाता कि भाई गलती गलती होगी, माफ करिए चौधरी साहब। अरे अभी टाइम है, एक आदमी बता रहा खाप के चौधरी का अलग सम्मान होता है, खाप का चौधरी एक नहीं होता। बताओ खाप चौधरी के साथ हो या नहीं हो, आठ ठाकर बताओ। ये है खाप चौधरी, इसे किला आदमी बता रहा था, ये करेंगे, ये जितने हाथ उठ रहे ये सारा गांव में जाना, ये करेंगे बंद। तो कह रहा किले आदमी के कहते रुक देंगे, बताओ करोगे नहीं करोगे। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।